वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी। और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है, क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी। उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, माँ शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए, भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को, उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे, लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा है। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारे ही संस्कृति में कहा गया है धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रखर अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण